कोई फैसला नहीं किया। रुपौली पर आज मेरी पीसी थी। जो मर्डर हुए हैं उसमें किन किन लोगों की भूमिका है मैंने आज खुलासा किया है, कर दिया है। जो प्लॉट लिखा गया वो गलत था, संजय भगत या शूटर का नाम जो लिया गया वो गलत था। जो फंसाए गए हैं, जिन लोगों ने मारा उसका नाम मैंने लिया है, चाहे वो दीपक जादुका हो, चाहे शंभू जायसवाल हो, चाहे जिन जिन लोगों की ग्रुप थी फर्जीवाड़ा जिसने किया, उसमें कैलाश मंडल है, उसमें जितेंद्र मुखिया है या अन्य लोग हैं, विठू मंडल है, तीन जमीन के कारण हुई। ये जो लोग हैं, जो उनके भाई ने मुझको कहा, गलत तरीके से इन्होंने मार के बाथरूम में लाठी प्रवेश करवा करके उन्हें, जबकि मैंने सीढ़ी दिखवाई। जो विकास है वो मोटरसाइकिल पर पीछे है, पुलिस कह रही है कि विकास ड्राइव कर रहा है, जबकि विकास पीछे बैठा हुआ है, वो पूरा माथे में बना हुआ है जो थाने में वो गमछी है, और कैलाश कहीं से नहीं है, और पुलिस यह बात बताने को तैयार नहीं है, ना कुछ प्रूफ दिया ना कुछ दिया, प्लॉटिंग बना दी और गलत तरीके से इन्वॉल्व कर दिया। अभी मैंने यही कही है, मैं इसको थ्रोली देख रहा हूँ। मैंने सरकार से हाईकोर्ट या SIT जांच मैंने कहा है करने के लिए, या CBI जांच की इंक्वायरी कहा। उसमें सर उपचुनाव में बीमा भारती कही है महागठबंधन को मजबूत करने के लिए पप्पू जी को साथ देना चाहिए। देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर कह रही हूँ, निश्चित रूप से हमारे अपने साथियों के निर्णय जो होंगे वो मजबूती के साथ में साथियों के साथ, निश्चित रूप से साथियों की बातचीत हो रही है और 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा। और एक अंतिम सवाल, देखिए भारत सरकार नेट के एग्जामिनेशन को कैंसिल करती है और नीट के एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करती, क्यों? जहां 26 लगभग हजार से ऊपर 46,000 26,000 के बीच में बच्चे परेशान हो, मेरा सीधा है कि प्राइवेट NGO जो भी हो, जिसका भी हो, जिस व्यक्ति का हो, चाहे वो PM हो, CM हो, कोई भी, कोई, everyone, मंत्री हो, जिसका भी NGO हो, NGO के माध्यम से किसी भी तरह के एग्जामिनेशन, नीट्स हो, UPSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन, नेट हो, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए, ना ही रिजल्ट किसी प्राइवेट एजेंसी से कराए, कंप्लीट उसके लिए एक कमेटी हो हर परिस्थिति में, और ऑटोनोमस बॉडी हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 40 सालों से मिडिल क्लास और आम आदमी के बच्चे और जीनियस बच्चे परेशान हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर लिए कोटा में, लगातार 40 साल से हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार की सूद क्यों नहीं जाती, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और अब तो बिना क्वेश्चन आउट हुए कोई अभी फिर से हो गया, तिवारा हो गया, तो हम CBI, हम चाहेंगे JPC हर कीमत पर, और CBI इंक्वायरी हो तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में हो हर परिस्थिति, और नीट्स के एग्जामिनेशन को पूरा कैंसिल किया जाए, फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और वह प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ना हो हर परिस्थिति, ये मुद्दे को हम उठाएंगे। दूसरा चीज आरक्षण, जो हाईकोर्ट, यदि बिहार सरकार, यदि आपने डबल इंजन की सरकार बनाई तो आपको हर कीमत पर जो गवर्नमेंट की नीतिगत फैसले थे, इस कानून को अमलीजामा पहनाना, जो कैबिनेट डिसीजन के साथ साथ अनकानूनी प्रक्रिया थी, वह नहीं अपनाई गई, नहीं तो हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर इसमें बाध्यता नहीं थी, सरकार के निगलेंसी के चलते, और सरकार BJP के साथ जिस तरीके से गठबंधन की, उसके बाद
ओबीसी अत्यंत पिछड़ा दलित लोगों के आरक्षण पर सबसे पहला हमला हुआ। क्या डबल इंजन सरकार का मतलब है दलित अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर और उसके आरक्षण पर सबसे पहला हमला? जब डबल इंजन की सरकार है तो अध्यादेश लाए या सदन में इसको पास कराए, लाए अध्यादेश ला करके कैबिनेट और हाउस में इसको पास कराए। ये मेरा डिमांड है, ये बहुत गलत हुआ, ये बिल्कुल एक उम्मीद एक सपने को चकनाचूर किया गया है। और सिर्फ डबल इंजन की सरकार बनने के कारण एक भी बीजेपी वाले ने इस पर कोई तर्क नहीं दिया। अंतिम तीसरा, कटिहार और सीमांचल और पूर्णिया में हम चाहते हैं, चाहे ब्लॉक हो, सीओ, सीआई हो, वह मोटेशन में पैसा बंद कर ले, किसी भी कीमत पर पैसा नहीं ले सकता। मैं 3 तारीख के बाद एक भी दलाल, एक भी भ्रष्टाचारी कोरा, फलका, पुठिया और हमारे कटिहार में, चाहे वो आरईओ डिपार्टमेंट हो, कोई भी, जिस किसी ने भी दलाली के आधार पर काम किया होगा उसे या तो ट्रांसफर कराना होगा या तो कटिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं 3400 में हर कीमत राशन कार्ड तुरंत चाहिए, मोटेशन आते ही 1 महीने के अंदर मोटेशन नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि दलाल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करना, दलाल मुक्त करना मेरी प्राथमिकता है। अंतिम